गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे इज़ अवर इंग्लिश वन क्लास एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर टुडे इज़ डेट 24/7/20. ओके, नाउ वी ऑल आर डूइंग अवर वर्कबुक नाउ. ओके, हम लोग अभी हमारी वर्कबुक में करने वाले हैं थ्री लिटिल पिग्स. ये वाला चैप्टर पूरा आपकी टेक्स्ट बुक में भी हो चुका है, आपको मैंने नोटबुक में भी करवा दिया है. ठीक है, अब हम लोग करेंगे हमारी वर्कबुक में. ओके, लुक लिसन एंड रिपीट. आप लोगों को देखना है, अच्छे से सुनना है और फिर मेरे साथ साथ आप लोगों को इसमें रिपीट करना है. ठीक, चलो. THREE, LITTLE लिटिल, PIGS पिग्स, LIVED लिव्ड, HOUSE हाउस, STREW स्ट्रॉन्ग, STICKS स्टिक्स, BRICKS ब्रिक्स, ON1 DAYD, BIG बिग, BRD बैड, WOLF वॉल्फ, HUFF हफ, PUFF पफ, BLOW ब्लो, DUWN डाउन, BLEW ब्लो, RAN रैन, BUT बट, NOT नॉट, STRONG स्ट्रॉन्ग, VENT वैन, HAPPIL वाई हैप्पीली, TOGETHER टुगेदर. ओके, आई एम रिपीटिंग द ऑल वर्ड्स वंस अगेन. थ्री लिटिल पिग्स लिव्ड हाउस स्ट्रॉ स्टिक्स ब्रिक्स, वन डे बिग बैड वुल्फ हफ पफ ब्लो डाउन, ब्लू रन बट नॉट स्ट्रॉन्ग वैन हैप्पीली टुगेदर. ओके, अब क्वेश्चन है आपका, राइट द करेक्ट ऑप्शंस ABCOD इन द बॉक्स. ये यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, बॉक्स मेरे साइड में हो गए. आई एम श्योर आप लोगों की बुक्स भी अगर बाइंडिंग हुई होगी तो ये बॉक्स अंदर चले होंगे. तो आप लोगों को आंसर्स यहाँ पर लिख लेना या फिर आंसर पर टिक मार्क कर देना. ओके, चलिए. हाउ मैनी पिग्स वर देयर, वहाँ पर कितने पिग्स थे? 1, 3, 2 and 4. गिव मी द आंसर. यस, देयर वर थ्री पिग्स, थ्री लिटिल पिग्स. तो यहाँ पर आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाले का आंसर है बी, और आप लोग बी पर टिक मार्क भी कर सकते हैं. ओके, सेकेंड, सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ डिश. विच टाइप ऑफ हाउस इन सोनू लिव्ड? स्ट्रॉ हाउस, राइट. स्ट्रॉ हाउस पे आप टिक कीजिए और आंसर लिखिए सी. वट वॉज मोनूज हाउस मेड ऑफ? मोनूज का हाउस किससे बना हुआ था? जो मोनू था उसका हाउस स्ट्रॉ से बना था, स्टिक से बना था या फिर ब्रिक से बना था? स्टिक, स्ट्रॉ, ब्रिक्स एंड मड या फिर मिट्टी से बना था. किससे बना था? स्टिक्स से. तो ए पर टिक कीजिए और आंसर में ए लिखिए. डन. ओके, नेक्स्ट, गोनूज हाउस वॉज मेड ऑफ. जो गोनूज का हाउस था वो किससे बना हुआ था? स्ट्रॉ, मड, स्टिक्स एंड ब्रिक्स. गोनू का हाउस तो सबसे स्ट्रांग था ना, तो वो किससे बना था? ब्रिक्स से. नाउ आंसर इज डी. ओके, नाउ नेक्स्ट, द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड, स्मॉल एंड बैड, बिग एंड गुड या स्मॉल एंड गुड? कैसा था? बिग एंड बैड है ना, वो बहुत तो बड़ा था और बहुत बुरा था. तो हम लोग यहाँ पर ए लिखेंगे और ए पर टिक करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, What did the wolf say to the pigs? Wolf ने pigs से क्या कहा? I will huff and puff and I will blow your school down. क्या वो school गिराने आया था? नहीं. I will huff and puff and I will blow your house down. Yes. But हम दो options और देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है. I will blow and I will pull your house down. No. I will blow and I will blow your school down. No. The right answer is B. तो हम लोग answering में क्या लिखेंगे? B. I will huff and puff and I will blow your house down. Okay. Now next, who blew down Sonu's house? Sonu's का house किसने गिरा दिया नीचे? मोनू ने गिराया था? नहीं. Wind आई थी, बहुत तेज आंधी आया था, तूफान आया था? No. गोनू ने गिराया था? No. Wolf. Yes. जो house था वो किसने गिराया था? वुल्फ ने. तो आंसर्स लिखे इस पेज के, आंसर्स आप लोग चेक कीजिए वंस अगेन. बी, फर्स्ट वाले का बी, सेकेंड सी, थर्ड ए, फोर्थ डी, फिफ्थ ए,
sixth B and seventh D. Okay? Now turn your page. हम लोग move करते हैं next page की side. Page number 15. अभी हमारा था page number 14. Now, what did the big bad wolf do? जो big bad wolf था उसने क्या करा? Huffed and puffed and roughed. तो आंसर क्या है? बी हफ्ड एंड पफ्ड, मतलब बहुत गुस्सा किया और फूंक मारकर क्या करा, हाउस को गिरा दिया. तो व्हाट इज द आंसर? बी. ओके, नेक्स्ट. विच हाउस कुड द वुल्फ नॉट ब्लो डाउन? किस टाइप का हाउस था जिसको वुल्फ नीचे नहीं गिरा पाया? कौन सा हाउस था जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था? ब्रिक्स हाउस, राइट. जो ब्रिक्स का हाउस था उसको वुल्फ गिरा नहीं पाया. तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए. द ब्रिक हाउस वॉज वेरी स्मॉल, वीक, बिग एंड स्ट्रांग. जो ब्रिक हाउस था वो कैसा था? स्मॉल था, वीक था, बिग था या फिर स्ट्रांग था? दैट वॉज स्ट्रांग. जो ब्रिक हाउस था वो कैसा था? स्ट्रांग था. व्हाट इज द आंसर? डी. सोनू मोनू एंड गोनू लिव हैप्पीली इन द ब्राउन ब्रिक हाउस, रेड ब्रिक हाउस, ब्राउन स्टिक हाउस या रेड स्टिक हाउस? कौन से हाउस में रहते थे? अपनी अपनी टेक्स्ट बुक खोलो और हाउस का कलर देखो सब लोग, और जल्दी से बताओ मुझे वो कौन सा हाउस में रहते थे. मैं भी वॉच कर रही हूँ हाउस का कलर उनके. आई थिंक शायद रेड ब्रिक हाउस था उसका. हम लोग देखते हैं. यस, रेड ब्रिक हाउस, राइट. वो लोग कौन से ब्रिक हाउस में रहते थे? रेड ब्रिक हाउस. ओके, नाउ अवर वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. लुक, लिसन एंड रिपीट. अब हमें देखना है, पढ़ना है और सुनना है. ये हमारा कौन सा कंसेप्ट है? राइमिंग्स का. इससे हम लोगों की राइमिंग्स भी अच्छी होंगी, वोकेबुलरी भी अच्छी होगी, राइट. ब्लो फ्लो ग्लो, ब्रिक किक स्टिक, हफ पफ स्टफ, क्रॉ ड्रॉ स्ट्रॉ, केम नेम सेम, मैट पेड सेट, क्रॉन क्राउन डाउन गाउन, बैंट रेंट वैंड, कुड शुड वुड. ओके, ये सब क्या है? हमारे राइमिंग वर्ड्स है, कुछ तो हमने नोटबुक में लिखे हैं. ओके, अब क्वेश्चन है आपका, सर्कल द ओड वर्ड इन ईच सेट. अब जब राइमिंग वर्ड्स है तब जब भी अलग वर्ड आएगा तब हमें पता चल जाएगा. ओके, फेम नेम सेम कम, कम अलग लग रहा है, राइट. तो ये हमें लग गया, तो इसमें हम लोगों ने सर्कल कर दिया. ब्लो फ्लो ड्रॉ स्लो, विच वन इज आउट? ड्रॉ. ड्रॉ का साउंड अलग जा रहा है. देखिए, ब्लो सेम साउंड, फ्लो सेम साउंड, स्लो सेम साउंड, लेकिन ड्रॉ का साउंड चेंज हुआ, राइट. नाउ ब्लो क्राउन फ्राउन एंड ब्राउन, क्राउन फ्राउन ब्राउन. क्यों, कौन सा वर्ड अलग गया? ग्लो, ग्लो पे हमने सर्कल करा. नेक्स्ट, लेड लिव लाइव पेड एंड सेड, विच वन इज आउट? लाइव इज आउट. कुड शुड होल्ड एंड गुड, होल्ड इज आउट. इसका साउंड चेंज गया. ओके, किया सभी ने. यहाँ पर आपको साउंड पहचानना है, साउंड सही है या फिर रॉन्ग, ठीक. नाउ मूव ऑन योर पेज. ओके, अब देखिए यहाँ क्या है. लेट्स टॉक, हम लोग बातें करेंगे. वॉज द वुल्फ गुड और बैड? वाई डू यू थिंक सो? मतलब क्या वो जो वुल्फ था वो गुड था, अच्छा था या बुरा था, और हमेशा क्यों सोचते हैं? तो दैट इज द आंसर. इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द वुल्फ वॉज बैड बिकॉज ही पुल्ड एवरी पिग्स हाउस. वो हर पिग का हाउस नीचे गिरा देता था, इसलिए वो क्या था? बहुत बुरा था. अकॉर्डिंग टू चैप्टर, वर द पिग्स गुड और बैड? वाई डू यू थिंक सो? तो क्या वो पिग्स अच्छे थे या बुरे थे? दे वर गुड बिकॉज दे हेल्प ईच अदर, राइट. जब सोनू मोनू के घर गया तब मोनू ने उसे अपने घर में रखा, एंड जब मोनू एंड सोनू दोनों गोनू के घर गए तो वो फिर लास्ट में तीनों मिलकर साथ में रहने लगे. वो लोग एक दूसरे की हेल्प करने लगे. तो पिग कैसे थे? अच्छे थे. हुज हाउस वॉज स्ट्रांग? वाई
द आंसर इज द ब्रिक हाउस इज स्ट्रांग बिकॉज जो ब्रिक्स रहती है वो बैक होती है, फायर में बैक होती है तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है. ओके उसमें फिर सीमेंट्स भी साथ में लगती तो वो मकान तो ऑटोमेटिक स्ट्रांग होते हैं. ओके व्हाट इज़ योर हाउस मेड ऑफ, इट इज़ स्ट्रांग व्हाई. हम लोगों का हाउस किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है और क्या ये स्ट्रांग है. यस आवर हाउस इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड मड, राइट. स्टील के जो स्ट्रिंग आते हैं उससे, और हमारा हाउस इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इस कारण से वो क्या है, स्ट्रांग है. ओके नाउ लुक लिसन एंड रिपीट. अब आप लोगों को मेरे साथ साथ पढ़ना है, सुनना है और फिर रिपीट करना है. केट CAT केट, DOG डॉग, COW काउ, FOX फॉक्स, LION लायन, GOAT गॉट, SHEE शिप, HORSE हॉर्स, DONKEY डोंकी, MONKEY मंकी, ELEPHANT एलिफेंट, CAMEL कैमल, RAPPIT रैबिट, DWR डेयर एंड TIGR टाइगर. ओके लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक मार्क द करेक्ट वर्ड. ओके अब देखो आपके सामने पिक्चर्स है और नेम्स है तो आपको करेक्ट वर्ड पे टिक करना है. दिस पिक्चर इज हॉर्स और डंकी, हुज पिक्चर इज दिस, हॉर्स. नाउ सेकंड पिक्चर्स ऑफ विच एनिमल, एलिफेंट, दैट इज नॉट अ कैमल, दिस इज एलिफेंट, दिस इज कैमल नॉट काउ, राइट. हुज पिक्चर इज दिस, नो आइडेंटिफाई एवरीवन, दिस इज डॉग, दिस इज केट. शिप ऑफ फॉक्स, हुज पिक्चर इज दिस, दिस इज शिप्स पिक्चर. काउ और एलिफेंट, काउ. डॉग एंड रैबिट, रैबिट. लायन एंड टाइगर, लायन. नाउ मूव योर पेज. Who is he? He is monkey, right? Deer. आपको elephants तो identify करना अच्छा सा ना. It is donkey. Goat, fox and tiger, right? Done everyone. Now move on your next page. Done. Best question है आपका, that is your homework. Okay? ये मैं आपको homework देती हूँ. Paste at least 4 picture of farm animal, jungle animal and water animal. तो देखिए ये farm है, तो farm में हमें सिर्फ किसके pictures स्टिक करना है, farm animals के. Farm animals कौन कौन से होते हैं, dog लगा सकते हो, cow लगा सकते हो, cat लगा सकते हैं, hen लगा सकते हैं, sheep है, goat है, right. ये सारे animals कौन से हमारे, farm animals. And second page पर देखिए जंगल, जंगल में आप लोग वाइल्ड एनिमल लगा सकते हो, जैसे एलिफेंट का पिक्चर है, फॉक्स का पिक्चर है, मंकी का पिक्चर है, जिराफ का पिक्चर है. ये सारे एलिफेंट्स कहाँ रहते हैं, जंगल में. तो आप सारे वाइल्ड एनिमल के एटलीस्ट 4 पिक्चर्स आपको स्टिक करना है. एंड वाटर एनिमल, वाटर एनिमल का फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ऑक्टोपस, राइट. ये कौन से एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स. तो दैट इज योर होमवर्क. ओके आपको एटलीस्ट 4 पिक्चर, जंगल फार्म एनिमल, जंगल वाटर एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल के यहाँ पर स्टिक करना है. ओके थैंक यू.